Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so good. Assalamu alaikum everyone, this is me Rana Khadim. And welcome back to my channel, To The Gaming Point. तो गाइज कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया फिट फाट और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो आपका भाई आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। सो वीडियो को मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको वीडियो देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। फिर आप लोग बोलेंगे यार वीडियो में कुछ देखने लायक था ही नहीं। तो गाइज आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ सीजन 18 में क्या हमें देखने मिलेगा, और सीजन 18 के टायर रिवर्ड्स कौन से होने वाले हैं, और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने मिलेंगी, किस गन की स्किन होने वाली है। और डेफिनेटली गाइज आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और साथ ही हम बात करने वाले हैं एक आउटफिट की, जो कि जोकर आउटफिट आने वाला है, और साथ ही हमें देखने मिलेगी कुछ अपकमिंग अपग्रेड स्किन्स। तो ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला, कुछ भी नहीं जाता, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियो से लुत्फानंदोज होते रहो। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो को लाइक करना होगा, और साथ ही साथ शेयर भी कर दें यार दोस्तों के साथ। इतने में कुछ नहीं जा रहा, अच्छा कर देते हो आप लोग, चले थैंक यू सो मच अगर आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा और जल्द से जल्द लाता रहूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेट्स ही देखते हैं कि हमें क्या क्या देखने मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो चलिए गाइस बात करते हैं सीजन 18 के डायमंड टेयर रिवर्ड्स की। तो जहाँ पे आपको देखने मिलेगी डीपी की स्किन, और फाइनली डीपी की स्किन हमें देखने मिलेगी डायमंड टेयर में। और जैसे ही आपको पता है कि एक आउटफिट फ्री में हमें देखने मिलता है टेयर रिवर्ड्स में, तो आपको देखने मिलेगा सीजन 18 का ये आउटफिट, और बहुत ही ओपी आउटफिट है यार, बहुत, और ये बहुत ही कमाल का आउटफिट है। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया ये आउटफिट जो हमें टेयर रिवर्ड्स में देखने मिलेगा। अगर आपको भी अच्छा लगा तो कॉमेंट करें। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अप्रैल जोकर सेट की। तो ये होने वाला है आउटफिट जिसका नाम है फ्लोरिसेंट जेस्टर सेट, और ये एक जोकर पर बेस कर रहा है। तो यार भाई बहुत ही किलर और एकदम बढ़िया सा ये आउटफिट है। अगर आपको अच्छा लगा है तो बताएं, कमेंट करें, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आउटफिट कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये आउटफिट। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आउटफिट की तरफ। तो अगला आउटफिट जो है वो गाइस उसका नाम है जी फ्लोरेसेंट जेस्टर इट इज सेट। तो भाई ये भी बहुत खूबसूरत है, नॉट बैड, बहुत अच्छा ये भी आउटफिट है। आपको इन दोनों में से कौन सा आउटफिट अच्छा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और आप कैसे बता सकते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपग्रेडेबल स्किन के बारे में बात करने वाले, तो सबसे पहले हमें स्कारल की स्किन देखने मिलेगी, जो कि जोकर पर ही बेस करेगी, जोकर थीम पर ही बेस करेगी। तो सबसे पहले आप इसकी जो बेसिक अपेयरेंस है वो देख लें, और ये बहुत ही कमाल की स्किन है, और थीम है इस पर जोकर का। तो डेफिनेटली जैसा कि आपने आउटफिट देखा था जोकर थीम में, तो वैसे ही आप ये स्किन भी देख रहे हैं स्कारल की, और ये बहुत खूबसूरत है। और इसका किल इफेक्ट, अरे भाई क्या किल इफेक्ट है यार, ब्यूटीफुल, बहुत ही ऑसम वाला इन्होंने ये किल इफेक्ट दिया है। तो जैसे ही आप एडवांस फॉर्म में जाएंगे तो कुछ यूं इसकी लुक देखने मिलेगी हमारी स्कारल जोकर की। अभी तक इसका नाम रिवील नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने खुद से इसको जोकर बोल दिया, क्योंकि बेसिकली इसका थीम जोकर का चल रहा है ना। तो चलिए गाइस अब इसका किल मैसेज भी देख लेते हैं कि इसके किल मैसेज कैसा हमें देखने को मिलेगा। अरे यार, अरे भाई इसका किल मैसेज का जो है ना वो भी बहुत, नोटिफिकेशन जो है वो भी बहुत कमाल का है। तो गाइस ये रही इसकी फाइव आर्म ऑर्नामेंट, और ये रहा जी इसकी फाइनल फॉर्म। अरे भाई ओपी है, एकदम ओपी वाली फाइनल लुक है इसकी और स्कारल की, और
जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जोकर की जो आईज है ना वो एकदम बाहर आ जाती है। फाइनल लुक तो भाई एकदम ऑसम और ओपी किस्म की है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपको बस वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर यूसी तो ज़ाया करने पड़ेंगे और आपको इसको अपग्रेड करना है। सो आपको लगी कैसी ये स्किन स्कारल की, आप हमें कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी या बुरी लगी, लेकिन कमेंट लाजमी करें। आई होप डेफिनेटली आपको ये पसंद तो आई ही होगी, आई एम श्योर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका देखते हैं कि अब लूट क्रेट कैसा है। अरे भाई ओपी, अरे यार क्या लूट क्रेट है यार, जोकर थीम में बहुत ही अमेजिंग। तो भाई ये रहा जी हमारा जोकर थीम का लूट क्रेट, जो ऐसे तो नहीं मिलेगा, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। और ये रही जी हमारी बाइक की स्किन, जो कि ये भी बेसिकली वही थीम है। तो गाइज बात करते हैं M762 की, और ये भी अपग्रेडेबल स्किन है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं गाइज के 3rd एनिवर्सरी आने वाली है पबजी की, तो ये बेसिकली वो थीम होने वाला है। और बहुत जल्द आपको वो भी इवेंट देखने मिलेगा जब 3rd एनिवर्सरी आएगी पबजी में। तो ये रहा जी इसका स्टार्टिंग का लुक, और जैसे जैसे आपको पता है कि आपको अगर मजीद इसको देखना है तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अरे भाई यार इसका भी कमाल का है, इसका जो एनिवर्सरी का आई थिंक वो उसमें जोकर का था और इसमें 3 लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये चीज़ वही है लेकिन यहाँ पे 3 लिख दिया। और इसका भी किल इफेक्ट बहुत कमाल का, और ये रहा जी इसकी एडवांस फॉर्म। भाई ये जो M762 है इसकी भी स्किन बहुत कमाल की है। तो अगर आपको अपग्रेड करना हो तो आपको भाई यूसी तो लगाना पड़ेंगे और आपको इसके लिए मटेरियल भी चाहिए होंगे, सो डेफिनेटली आपको वो तो परचेज करना पड़ेगा। और गाइस ये रहा इसका किल मैसेज, और किल मैसेज भी बहुत कमाल का है, बुरा नहीं है। तो ये रहा इसका फायर आर्म ऑर्नामेंट। तो गाइज इसकी फाइनल फॉर्म की बात करें तो ये रही इसकी फाइनल फॉर्म, और फाइनल फॉर्म में तो आपको पता है कि भाई ये और भी कमाल की गन हो जाती है। और फाइनल फॉर्म में आपको ये कुछ यूं इसकी लुक नजर आएगी कि किलर किस्म की, और इसमें जो पिंकिश कलर का यूज किया गया ना वो बहुत कमाल का है। तो गाइज इसका भी लूट क्रेट देखने वाला होगा कि इसका लूट क्रेट हमें किस तरह देखने मिलेगा, जैसे हमें स्कारल का जोकर टाइप में ही देखने मिलेगा, और वो बहुत खूबसूरत क्रेट था। तो बात करते हैं M762 की कि इसका क्रेट हमें कैसे ना देखने मिलेगा, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। अरे भाई इसका क्रेट भी बहुत है, नॉट बैड, बुरा नहीं है लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है, कमाल का। तो गाइस बात करते हैं अब हम ग्रोजा की स्किन की, तो ये हमें ये भी अपग्रेडेबल ग्रोजा होने वाली है, और इसकी कुछ और ये इसकी ये लुक मुझे बेसिक ही लगी, इतनी अच्छी नहीं लगी। तो बेसिक अपीयरेंस में इसकी लुक कुछ यूं ही रहेगी, अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस बात करते हैं इसकी एडवांस फॉर्म की, तो एडवांस फॉर्म में ये बहुत प्यारी स्किन है, और ये बेसिक जो स्किन है उससे बहुत अच्छी लग रही है इसकी एडवांस फॉर्म में। तो चलिए गाइस लगे हाथ इसका किल मैसेज भी देख लेते हैं कि इसका किल मैसेज हमें किस तरह देखने मिलेगा। तो गाइस ग्रोजा का कुछ यू किल मैसेज देखने मिलेगा। तो फाइनल फॉर्म की बात करें तो फाइनल फॉर्म में अरे भाई बहुत ही कमाल की है, और एकदम बढ़िया सी ये स्किन है ग्रोजा की, और ये रही इसकी फाइनल फॉर्म। और आपको ग्रोजा की स्किन कैसी लगी, अच्छी लगी तो कॉमेंट करें, नहीं अच्छी लगी तो फिर भी कॉमेंट करें। और अगर चाहिए आपको तो आपको पता है डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो वेट करना होगा, और जब आपको ये मिल जाएगी पबजी में तब आपको परचेज करना पड़ेगी आपको यूसी के जरिए। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं SLR की स्किन की, और SLR भी बेसिकली अपग्रेडेबल ही स्किन है, और ये इसकी बेसिक अपेयरेंस है। आई थिंक ये कुछ रोमांटिक सा थीम मुझे लग रहा है, और ये बहुत प्यारी लुक है इसकी नजर आ रही है, और स्किन बहुत प्यारी है, इस पे कुछ फ्लावर्स वगैरह भी बने हुए हैं, और
व्हाइट एंड पिंक कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस। तो गाइस इसकी एडवांस फॉर्म में कुछ यू नजर आएगी हमारी SLR की स्किन, और ये रहा जी इसका एक रोमांटिक सकिल मैसेज, और वो डेफिनेटली आपको तब मिलेगा जब आप इसे अपग्रेड कर पाएंगे। तो गाइस क्या आपको SLR की स्किन पसंद आई है? अगर आई है तो जरूर बताएं, अगर नहीं आई तो फिर भी बता दें। तो चलिए इसकी फाइनल लुक की तरफ बढ़ते हैं, और ये रही जी इसकी फाइनल फॉर्म, और फाइनल फॉर्म में हमारी SLR कुछ यू नजर आएगी, एक रोमांटिक SLR जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और बहुत ही कमाल की है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है SLR की स्किन, और मैं डेफिनेटली लेना चाहूंगा अगर ये पबजी वाले जब भी लेके आते हैं। तो गाइस क्या आप SLR को परचेज करना चाहेंगे तो जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं M24 की, और M24 की स्किन अरे भाई बहुत ही ओपी किलर और एकदम आउटक्लास वाली ये स्किन है, और बहुत ही प्यारी स्किन हमें M24 की देखने मिलेगी, और ये भी एक अपग्रेड है और आप इसे अपग्रेड कर पाएंगे, और मटेरियल्स के जरिए तो आपको चाहिए होंगे मटेरियल, और जाहिर सी बात है आपको उसके लिए यूसी जो है वो परचेज करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इसकी एडवांस फॉर्म की। एडवांस फॉर्म में ये भाई और भी बहुत ज़्यादा कमाल की स्किन है M24 की। तो गाइस आप में से कौन कौन ये M24 की स्किन जो है वो लेना चाहेगा और इसे अपग्रेड करना चाहेगा तो आप ज़रूर कॉमेंट करके बताएं। तो गाइस ये इसका बेसिक सा किल मैसेज है, और ये रही जी इसकी फाइनल फॉर्म, और फाइनल फॉर्म में हमारी M24 कुछ यूं नजर आएगी, जिसमें गोल्डन और रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगा, और इसके ऊपर एक तीर से भी बने हुए हैं, और ये बहुत ही कमाल की स्किन है। तो चलिए गाइस अब आगे बढ़ते और आगे बात करते हैं दोबारा अगेन से हम M24 के, और M24 में यहाँ पे स्किन चेंज है, और ये आपको दो दो M24 की स्किन से हो सकता है देखने मिले, और या फिर पता नहीं ये पबजी वालों को कुछ पता नहीं चलता कि ये बोलते कुछ और करते कुछ, और कब की चीज़ कब लेकर आ जाती है इसका कोई पता नहीं। तो बेसिक अपीयरेंस में कुछ यूँ नजर आएगी M24, और अगर आपको ये M24 अच्छी लगी या वो वाली M24 पहले जो आपको मैंने दिखाई थी वो अच्छी लगी, इनमें से कौन सी अच्छी लगी वो ज़रूर बताएं। और इसका किल इफेक्ट कुछ यूँ रहेगा सेम ही थीम पर जैसी आपको स्किन नज़र आ रही थी M24 की। और एडवांस फॉर्म की बात करें तो एडवांस फॉर्म में यार भाई ये पहले से भी बहुत ज़्यादा कमाल की हो जाती है M24, और ये आई थिंक इसका कंपैरिजन मैं तो नहीं कर सकता लेकिन आप ज़रूर कर सकते हैं, और आपको कौन सी अच्छी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको पहले वाली M24 अच्छी लगी या फिर अब वाली। तो गाइज ये रहा इसका किल मैसेज, और किल मैसेज भी सेम थीम पर ही है, जो इसका कलर थीम है उसी पर ही इसका किल मैसेज का नोटिफिकेशन है। और साथ ही बात करते हैं इसकी फाइनल फॉर्म की, तो फाइनल फॉर्म में कुछ इसकी लुक यू रहेगी। अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो ज़रूर बताएं, और अगर आप इसे परचेज करना चाह रहे हैं तो ज़रूर बताएं, और अगर आप इसको अपग्रेड करें तो ज़रूर बताइएगा, हो सकता है कि मैं आपकी वीडियो अपने चैनल पर लगाऊं अगर आप ये अपग्रेड कर पाते हैं तो। गाइज वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं आपके लिए एक और बहुत जल्द वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं बात करने वाला हूँ सीज़न 18 के 1-100 RP, और अगर आप इसके लिए मुझे चाहिए बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर, और सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो मैं आपके लिए बहुत जल्दी ये वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाएगा भाई, आपका एक रुपया भी नहीं लगेगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, और ये वीडियो जो हमारे साथ शेयर किया वो है मैट तमीज़ा ने, तो उनके जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ज़रूर विजिट कीजिए और चेकआउट मैट तमीज़ा चैनल। सो गाइस एक और जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि अगली वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होने वाली सीज़न 18 की, और सीज़न 18 में मैं आपको बताने वाला हूँ 1-100 RP वर्ड्स। और अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, और आप अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं एंड तक, तो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ सीज़न 18 की 1-100 RP रिवर्ड्स की।
सो गाइज अगर आप भी नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्साइटेड हैं तो जरूर बताएं, और उसके लिए आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उसके लिए मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल सके और मैं आपके लिए वीडियो जल्दी से ला सकूं। सो गाइज वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, और अगर आप वीडियो के लिए एक्साइटेड हैं सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ। सो इसी तरह अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।